लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं मोहिनी सिकरवार और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। जनपद मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र के थिरोर चौराहे पर प्राइवेट बस में सवार एक महिला की बस से उसके उतरते समय अचानक संतुलन बिगड़ जाने से उसी बस के पहिए के नीचे आकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र के घिरोर चौराहे का है। यहाँ एक प्राइवेट बस में सवार करहल की रहने वाली मिथिलेश कुमारी बस से उतर रही थी कि तभी अचानक बस से उतरते समय वो ज़मीन पर गिर गई, जिसके बाद ड्राइवर ने बस को आगे बढ़ा दिया। हादसे में महिला बस के पीछे वाले पहिए के नीचे दबकर मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची व महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसके बाद पुलिस ने घटना को अंजाम देकर भाग रहे बस चालक को अपनी हिरासत में लेकर बस को कब्जे में ले लिया है। मैनपुरी से सत्येंद्र कुमार की रिपोर्ट। एक्सीडेंट हुआ, हम घर से आ रही थी, प्राइवेट बस पे बैठी थी, जा रही थी, पता नहीं कैसे हो गया। अज्ञात बस ने टक्कर मार दी। उसी बस से हुआ, उसी बस पकड़ ली, जिस बस से उतर रही थी उसी बस ने रोक दिया। उसी से हो गया, वो बस पकड़ ली गई है। आपका? हमारा नाम महेश। कैसे एक्सीडेंट हुआ? वो घर से जा रही थी, वहाँ अपने घर पर दिल्ली के लिए, तो रास्ते में जैसे गाड़ी मिली, जहाँ लोग ऊपर से मिल गई उनको, तो अपने करहल उतरी। करहल ने भी ड्राइवर ने रुकी नहीं गाड़ी, जिन्हें पीछे नहीं देखा उसने, जब अकेला ड्राइवर ही था, तो जैसे स्लिप गई या उसमें फंस गई, क्या हुआ, गाड़ी ने उसने भगा दी। रोडवेज बस थी? नहीं, रोडवेज नहीं था, प्राइवेट। आप कौन है उनके? हमारी